जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री सर्वज्ञ जिनवाणी नमस्तस्यै नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उबच्छायाणं नमो लोए सबसाहुनम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपना करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखन को करिए सत्ता नाश करिए सतानास। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह अद्भुत ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के तीसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें पंडित जी संसार दुखों का निरूपण कर रहे हैं अभी कि इस संसार में यह जीव कैसे कैसे दुख भोगता है और उस दुख को दूर करने का उपाय भी क्या करता है वो भी पंडित जी साथ में बता के उन उपायों से भी हमको चेताना चाहते हैं कि वास्तव में अब तक जो तुम उपाय करते आए हो वो उपाय झूठे हैं, उन उपायों से कार्य की सिद्धि आज तक हुई नहीं और कभी होगी भी नहीं, इसीलिए सच्चे उपाय को अपनाओ। तो उन दुखों को बताकर पंडित जी हमें संसार दुख की भाव वासना भी कराना चाहते हैं, साथ में हम जो उपाय करते हैं उनसे हमको चेताना भी चाहते हैं कि भाई अब तो चेतो, ये जो उपाय तुम कर रहे हो वो उपाय सच्चे नहीं है। और इतना करने के बाद फिर सच्चा उपाय भी बता रहे हैं कि ये उपाय सच्चे नहीं है, तो वास्तव में सच्चा उपाय क्या है। तो उस पर हमारी बात चल रही है, जिसमें चारित्र मोहिनीय कर्म की अपेक्षा से यह जीव कैसे कैसे दुख भुगता है और उनके लिए क्या उपाय करता है और उससे दुख दूर कैसे नहीं होता दूर, और फिर सच्चा उपाय क्या है वो आगे बताएंगे। तो इसमें हमारी बात अभी नौ कषाय पर चल रही है। तो नौ कषाय के अंदर हमने कल हास्य, रति, अरति और शोक, इन चार के बारे में देखा कि इन चार का जब उदय आता है तो जीव की दशा कैसी होती है। मीन्स वो जीव हमने देखा कि महाव्याकुल हो जाता है और जो उसको इच्छा होती है उस इच्छा की पूर्ति होती नहीं है, इसीलिए ये दुखी ही रहता है। उसके बाद पेज नंबर 54, इससे पीछे वाला पेज है, इसमें नीचे से सेकंड पैराग्राफ है, तथा जब वह उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति बिहल होता है, भागता है, छिपता है,
शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है वा मर जाता है, सो यह दुख रूप ही है कि जब इसके भय कषाय उत्पन्न होती है। देखो ये जो कषाय चल रही है वास्तव में हमको लगता नहीं है कि कषाय है ये, लेकिन देखो जब भय कषाय उत्पन्न होती है तो जो इष्ट वस्तु है जो हमको इष्ट लग रही है उसके एक तो वियोग का भय हो सकता है या फिर किसी अनिष्ट वस्तु के संयोग का भय हो सकता है कि कोई भी इष्ट वस्तु है स्त्री पुत्र आदिक मकान आदिक माता पिता आदिक धन मकान धन आदिक या अन्य कोई भी वस्तु जो हमको इष्ट लग रही हो एक तो उसके वियोग का भय हो सकता है कि कोई हमसे कोई इन चीजों को हमसे हमसे लेना ले मी से छिनाना ले। और दूसरी बात कि जो अनिष्ट वस्तु हैं जो हमको अनिष्ट लग रही हैं तो वो हमको कोई संयोग ना करा दे उनका, कि जैसे कोई अनिष्ट वस्तु है जो हमको इष्ट नहीं लग रही है जैसे कोई भी ले लें जैसे कोई भी आज वस्तु है जैसे आज मान लो चोर है तो चोर का हमसे हमारे घर पे संयोग ना हो जाए, ऐसे में किसी वस्तु का कि जो इष्ट का वियोग करा सकता हो या अनिष्ट का संयोग करा सकता हो ऐसी कभी सभी वस्तुओं को जानकर डरता है कि किसी भी तरह से इष्ट से मेरा वियोग ना हो जाए और अनिष्ट से मेरा संयोग ना हो जाए तो उनको जानकर डरता है अति भयल हो जाता है मीन्स इतना डर जाता है कि उसको और कुछ काम सुहाता नहीं है बस वो इसी डर के कारण दुखी होता रहता है भागता है छिपता है कि किसी भी तरह से इष्ट का वियोग ना हो जाए अनिष्ट का संयोग ना हो जाए उसके लिए भागता है इधर उधर छिपता है शिथिल हो जाता है कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है कि जहां पर कष्ट जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है उसने चोरी की हो और वो पुलिस के डर से भागे किसको पुलिस का भय सता रहा है और उससे डर के भागे। कुछ पूछ रही हो क्या रागिनी जी? तो जैसे वो पुलिस के डर से भागे और भागकर किसी जंगल में पहुंच जाए कि जहां पर खूंखार जंगली जानवरों रहते हों जानवर तो वहां पर भी पहुंच जाए इतना इसको डर सताता है कि ऐसे स्थान पर भी पहुंच जाए जहां पर अनेक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं और मर जाता है ऐसे स्थान पर भी पहुंच जाता है कि जहां पर मृत्यु ही हो जाती है मीन्स इसको उस भय कषाय से जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो दुख इसको मरने से भी ज्यादा भयानक लग रहा है। ये रागिनी जी इसको अनम्यूट ना कीजिए। तो उसको वह दुख मरने से भी ज्यादा लग रहा है मीन्स एक नौ कषाय है जो एक किंचित रूप से है मीन्स क्रोधमान माया लोक की अपेक्षा देखें तो एक किंचित कषाय में आती है कि वो इतनी तीव्रता लिए हुए नहीं है तीव्रता किसी वे में नहीं है मतलब एक इंटेंसिटी रूप में कि जैसे क्रोधमान माया लोभ है वो जैसा संसार भ्रमण का में निमित्त बनती है इतनी ये नहीं बनती ये कह सकते हैं या दूसरी अपेक्षा ये कह सकते हैं कि जैसी क्रोधमान माया लोभ है वैसी ये नौ कषाय नहीं है लेकिन फिर भी ये कषाय रूप है और इनके द्वारा भी कर्म तो बनते ही हैं। तो मी से वो व्यक्ति भय कषाय से उत्पन्न दुख को मरने से भी ज्यादा भयानक समझता है कि मरना मेरे लिए आसान है मरण का जो दुख है वो इजी लगता है उसको भय कषाय के उत्पन्न दुख के कारण। तो ऐसी भय कषाय उत्पन्न होने पर जीव की अवस्था होती है तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है और खेद खिन्न होकर महा दुख पाता है। जुगुप्सा का क्या मीनिंग है कि अनिष्ट वस्तु से घृणा करना कि जब इसके जुगुप्सा उत्पन्न होती है तो ये अनिष्ट वस्तु जो इसको अनिष्ट रूप रखती है चाहे वो इंद्रिय के किसी भी विषय में हो
चाहे स्पर्श इंद्रिय का विषय हो कोई ऐसा, चाहे रस इंद्रिय का हो, चाहे घ्राण इंद्रिय का हो, चाहे कर्ण इंद्रिय का हो, मीन किसी भी विषय का हो, तो उस वस्तु से घृणा करता है और उससे भागना चाहता है। अब उस वस्तु का इसके संयोग हुआ, जैसे मान लो ज्ञान इंद्रिय में इसको जो बेकार स्मेल है वो इसको अनिष्ट लगती है, उससे ये घृणा करता है, और उस बेकार स्मेल से ही, उस गंदी स्मेल से इसका संयोग हो गया, तो ये उससे भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है, और जब तक उसका संयोग रहता है तब तक महादुख पाता है। जैसे होते हैं ना कि कहीं रास्ते में निकल रहे हो और वहाँ स्मेल आ रही हो गंदी, तो जब तक वो स्मेल दूर ना हो जाए तब तक अपनी नाक मुंह को बंद करके ऐसे दुखी रहता है कि कब मैं यहाँ से दूर जाऊँ। वहाँ भाग भाग के उस रास्ते को पार करना चाहता है कि किसी भी तरह से इसका संयोग मुझसे दूर हो जाए। ऐसा कर्ण इंद्रिय में लगाना कि कोई शब्द जो अनिष्ट रूप है और वो हमारे कानों में पड़ रहे हैं, तो हम वहां से जितना जल्दी हो सके भागना चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये अनिष्ट का संयोग मुझसे ना हो जाए। तो अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ और यह घृणा करके भागना चाहता है। देखो, भागना चाहना वो व्यकसाय के कारण है, और उससे घृणा करना वो जुगुप्सा के कारण है, कि जुगुप्सा के कारण उससे प्रति घृणा उत्पन्न हुई और भागना चाहता है तो भय भी उत्पन्न हुआ उस चीज से, और भय उत्पन्न ना भी हुआ और केवल घृणा हुई तो घृणा से भी भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है कि ये वस्तु मुझसे दूर हो जाए, और खेद खिन्न होकर महादुख पाता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है, उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता। देखो, जो तीन वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो जब पुरुष वेद का उदय आता है तो इस जीव की स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और जब स्त्री वेद का उदय हो तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद का उदय होने पर दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। लेकिन देखो, जो ये पुरुष वेद, स्त्री वेद या नपुंसक वेद हैं, उनको पुरुष लिंग, स्त्री लिंग या नपुंसक लिंग नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरुष वेद पुरुष को होता है, स्त्री वेद स्त्री को होता है, नपुंसक वेद नपुंसक को होता है, ऐसा नहीं है। ये तीनों ही वेद किसी भी जीव को हो सकते हैं, कि हो सकता है पुरुष वेद को स्त्री वेद का उदय हो, स्त्री को पुरुष वेद का उदय हो, ऐसा भी हो सकता है, और आज प्रैक्टिकली लौकिक में एग्जाम्पल देख भी सकते हैं ऐसे, कि पुरुष को स्त्री वेद का उदय हो रहा हो तो उसकी पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, किसी स्त्री को पुरुष वेद का उदय हो तो उसकी स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, या पुरुष को पुरुष वेद का उदय हो सकता है, स्त्री को स्त्री वेद का उदय हो सकता है, या पुरुष को नपुंसक वेद का उदय हो सकता है, मीन्स किसी भी तरह से अल्टरनेट इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैजियन लोग ये गलती करते हैं, मीन्स ये मिस्टेक होती है कि पुरुष वेद मतलब पुरुष, स्त्री वेद मतलब स्त्री, और नपुंसक वेद मतलब नपुंसक, तो इसका मीनिंग ये नहीं है, इस चीज को ख्याल में रखना। तो पुरुष वेद के उदय होने पर स्त्री के साथ रमण की इच्छा होती है, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण की इच्छा होती है, और नपुंसक वेद का उदय हो तो दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है, उससे अति व्याकुल होता है, कि जैसे मान लो इसको पुरुष वेद का उदय है, स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो रही है, अब तब तक वो संयोग नहीं मिले तब तक अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता। देखो, ये सारी जितनी बातें पंडित जी ने बताई हैं कि कि अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो ऐसे भी कार्य करता है
और दंड आदि हो उसे भी नहीं गिनता। ये सारी बातें हम प्रैक्टिकली आज का न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि किस तरह से यह जीव निर्लज होता है, इसको किसी तरह की लज्जा नाम की चीज नहीं रहती और धन खर्च करता है कि किसी भी तरह से मुझे वह वस्तु प्राप्त हो जाए। अपने अपयश को नहीं गिनता कि लोग मेरे बारे में बुरा कहेंगे, मेरा अपयश होगा, मेरी बुराई होगी, मैं ये निंदित कार्य क्यों करूं, लेकिन फिर भी अपयश को नहीं गिनता और निंदित कार्य करने को तत्पर रहता है। आताप उत्पन्न होता है, स्वयं दुखी होता है, परंपरा दुख हो कि जिस कार्य को करने से आगे भी दुख मिलना हो, क्योंकि जब अभी वर्तमान में भी दुखी होगा और उससे कर्म भी ऐसे बनेंगे कि परंपरा से भी वो दुख का ही कारण बनेगा। और दंड आदि हो कि ऐसे कार्य करने से भी नहीं चुकता इंसान कि उसको हो सकता है फांसी की सजा भी हो जाए, हो सकता है उसको जेल में बंदी बन के रहना पड़े। तो ऐसे प्रत्येक कार्य को लगा लेना कि आजकल तो न्यूज़पेपर भरे आते हैं इन्हीं घटनाओं से, तो यह जीव इस काम रोग से इतना पीड़ित हो गया है कि किसी भी चीज को नहीं गिनता। अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख बने उसको भी नहीं गिनता, दंड आदि का कारण बने उसको भी नहीं गिनता, इत्यादि रूप से किसी भी कारण को नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है, ऐसी जीव की दशा हो जाती है। रस ग्रंथों में काम की दस दशाएं कही हैं, वहां पागल होना मरण होना लिखा है कि इस काम रोग से पीड़ित होने पर जीव की ऐसी ऐसी दशाएं हो जाती हैं कि जिनमें यह जीव पागल भी हो जाता है और मर भी जाता है। देखो सुसाइड आदि के केस ले लो, चाहे वो सजा मिलने से मरण कहो, फांसी की सजा हो, अन्य किसी भी सजा से, तो ये सारी चीजें इस काम रोग के कारण ही होती हैं कि जब ये वेद कसा उत्पन्न होती है उसके कारण ही इतना सब कुछ बनता है, यह जीव इतना दुखी होता है। वैदिक शास्त्रों में जड़ के भेदों में काम जड़ को मरण का कारण लिखा है। देखो रस ग्रंथों में भी काम की दस दशाएं कही हैं, मां मरण होना पागल होना लिखा है और वैदिक शास्त्रों में जड़ के भेदों में काम जड़ को मरण का कारण लिखा है, इतना ये काम दुखदायक है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। काम अंध को कुछ विचार नहीं रहता कि जो काम में अंधा है उसको कुछ भी विचार नहीं रहता, वो कुछ भी विचार नहीं करता। पिता पुत्री तथा मनुष्य त्रियंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं कि मतलब इतना इसको विचार नहीं रहता कि कोई भी किसी से रमण करने लग जाता है। आजकल न्यूज़पेपरों में डेली सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि किस तरह से यह जीव कितना गिर जाता है इस काम रोग के कारण। यह जीव इतना गिर जाता है कि जिसको शब्दों में कह पाना भी संभव नहीं है। इसलिए पंडित जी ने लिखा कि काम आंध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य त्रियंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं, ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है, ये प्रत्यक्ष हमको भाषित होती है। इस प्रकार कषायों और नौ कषायों से अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में ना प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं, कि क्रोध मान माया लोभ और जो नौ कषाय इनके उत्पन्न होने पर जो अवस्था बताई कि जीव ऐसी अवस्थाओं रूप प्रवर्तता है, यदि इन अवस्था रूप ना प्रवर्तते तो इसको क्रोधादि पीड़ा उत्पन्न करती हैं और यदि इन अवस्थाओं रूप प्रवर्तते तो इसको मरण पर्यंत कष्ट होता है कि मर जाता है, ऐसे कष्ट भी होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते,
इससे यह निश्चित हुआ कि मरण आदि से भी कसायों की पीड़ा अधिक है, कि वहां वो ऐसी अवस्था में प्रवर्तना तो स्वीकार करते हैं कि मरण हो जाए तो भी इन अवस्था में प्रवर्तते हैं। मीस मरण मरण के कष्ट को तो सहन करना स्वीकार करते हैं, लेकिन ये क्रोधादिक की पीड़ा को सहन करना स्वीकार नहीं करते। इसका मीनिंग यह है कि मरण से भी ज्यादा पीड़ा कसायों में है। विचार करें कि कसाय कितनी दुखदायक हैं, तथा जब इसके कसाय का उदय हो तब कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। भाइये कसायों के कारण मिले तो उनके आस्ते कसाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। कि जब इसके कसाय का उदय होता है तो यह जीव ऐसा व्याकुल हो जाता है कि कसाय किए बिना रहा नहीं जाता। यदि बाह्य कारण मिले, कि जैसे क्रोध आदि के बाह्य निमित्त मिले, बाह्य कारण मिले तो उनके आश्रय से कसाय करता है, चाहे वो क्रोध में लेना, मान में लेना, जैसे मान आदि में हम लें कि बाह्य कारण मिले, कि जैसे बाहर का व्यक्ति कोई मेरी प्रशंसा कर दे तो अब वो मान कसाय उत्पन्न हो गई। मीन्स बाह्य में कारण मिला और उसके आश्रय से मैंने कसाय कर ली। और आज वर्तमान में वास्तव में देखो, निंदा करने से, कोई निंदा करता है तो क्रोध आता है, और कोई प्रशंसा करता है तो मान कसाय उत्पन्न होती है। और वास्तव में देखें तो निंदा करने वाले से ज्यादा प्रशंसा करने वाला खतरनाक है। मीन्स दोस्त भी ऐसे रखना कि जो प्रशंसा कम और निंदा ज्यादा करे, क्योंकि निंदा करने से तो वो जीव सुधर सकता है, उस कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन उसकी प्रशंसा की जाए तो वह जीव मांग कसाय से भर जाता है। और आजकल तो झूठी मांग झूठी प्रशंसा भी होने लगी है, कि आजकल तो किसी का छोटा पद है और उसको बड़ा पद कह के उसको बोल दो, कि जैसे कोई मंत्री है और उसको मुख्यमंत्री कह के बोल दो, कोई लोकसभा का मंत्री है उसको प्रधानमंत्री कह के बोल दो, जैसे मान लो कोई पटवारी है या कोई वकील है उस वकील को जज साहब कह के बोलो, ऐसे। मीन्स इस तरह से एक छोटे पद वाले को बड़े पद का बोलना, मीन्स उसके मांग कसाय जागृत कर देना। तो इसलिए वास्तव में प्रशंसा करने वालों से बचना ही चाहिए। तो ऐसे ही माया में लेना, ऐसे लोभ में लेना, और नौ कसाय के कारणों में भी लेना, कि बाह्य कसायों के कारण मिले तो उनके आस्ते कसाय करता है, और यदि कारण नहीं मिले तो स्वयं कारण बनाता है। लेकिन उसको उस कसाय का उदय होने पर जो इच्छा हुई है उसको तो इच्छा की पूर्ति करना है। यदि बाह्य कारण मिल रहा है तो उसके आश्रय से करेगा, और नहीं मिल रहा है तो स्वयं कारण बनाएगा। जैसे व्यापार आदि कसायों का कारण ना हो तो जुआ खेलना व क्रोधादिक के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। कि जैसे व्यापार आदि में कसाय तो होती ही है, अब जैसे मान लो किसी की महीने में, किसी की 15 दिन में छुट्टियां होती हैं, किसी की संडे को व्यापार से छुट्टी होती है, किसी की महीने में 2 दिन होती है, किसी की महीने में 1 दिन होती है, तो जिस दिन उसका व्यापार आदि का कारण नहीं बन रहा कसाय का, तो उस दिन वो उस समय को जुआ खेलने में वेस्ट करेगा, या क्रोध आदि के जो अन्य कारण है, अन्य खेल हैं जिसमें क्रोध मान माया लोग कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे अनेक खेलों को खेल के अपना समय वेस्ट करेगा। और कुछ भी नहीं हो तो दुष्ट कथा, जिसको हम कह सकते हैं भी कथा में जो चारों तरह की कथाएं हैं, भोजन कथा, रास कथा इत्यादि कथाएं, तो दुष्ट भी कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है, लेकिन कसाय की पूर्ति करना। तथा काम क्रोधादिक पीड़ा करें और शरीर में अनुरूप कार्य करने की शक्ति ना हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। कि काम आदि या क्रोध आदि जब पीड़ा करें और शरीर में शक्ति नहीं हो इतनी, कि जैसे मान लो किसी हमें क्रोध आया किसी के ऊपर, अब उसको मारने की हमें शक्ति नहीं है कि हम उसका जवाब दे सकें, तो वह औषधि आदि ग्रहण करेगा, अपने आप को उस काबिल बनाने की इच्छा करेगा
कि मैं इसको जवाब दे सकूं। ऐसे क्रोधमान माया लोभ में लगाना काम आदि यदि पीड़ा उत्पन्न करें और शरीर में शक्ति नहीं हो तो औषधि आदि बना के अन्य अनेक उपाय करके अपनी शरीर की शक्ति बढ़ा के उस काम को करना चाहता है, उसको उस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है कि कोई कारण नहीं बन रहा है, बाह्य कारण बन नहीं रहे और स्वयं जो कारण बनाने का उपाय कर रहा है उससे भी कोई कारण नहीं बन रहा है तो अपने उपयोग में ही उन विषयों का चिंतन करता है और कषायों के विषयभूत होकर कषायों के जाल में फंसकर उन पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे दुख के दूर होने का उपाय मानता है कि जिस प्रयोजन के लिए मेरा कषाय भाव उत्पन्न हुआ है, जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ है तो सामने वाले को गाली देगा, सामने वाले को मारेगा पीटेगा, मान कषाय हुई तो सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करेगा, ऐसे समय लगाना माया में छटपट करके जो वस्तु उसको इष्ट लग रही है उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति करना चाहेगा। तो इस तरह से जिस प्रयोजन के कषाय भाव हुआ है तो वो क्या मानता है कि उस प्रयोजन की सिद्धि होने पर ही मेरा दुख दूर हो सकता है, जब तक उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा और सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो किसी भी तरह से प्रयोजन की सिद्धि करना चाहता है और उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है और उसे वो दुख दूर करने का उपाय मानता है कि इन उपायों से मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन यदि ये उपाय सच्चे होते तो दुख दूर हो गया होता, क्योंकि देखो पहले ही बताया कि कार्य कारण एक साथ चलते हैं कि कारण सच्चा है तो कार्य भी सही होगा और कारण यदि विपरीत है तो कार्य भी विपरीत ही होगा, इसीलिए आज तक दुख दूर नहीं हुआ। यदि इन उपायों को करने से दुख दूर हो जाता तो ये उपाय तो अनादि काल से हम करते आ ही रहे हैं, लेकिन दुख की एक कणिका भी दूर नहीं हुई। इसीलिए वास्तव में ये जो उपाय हैं जिनको हम दुख का दूर करने वाला मानते हैं वो वास्तव में दुख के दूर करने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ कषाय भावों से दो दुख होता है, वह तो सच्चा ही है प्रत्यक्ष स्वयं दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं, क्यों सो कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी कि इन कषाय भावों के उत्पन्न होने पर जो जीव को दुख होता है वो दुख तो सच्चा ही है क्योंकि यह जीव प्रत्यक्ष दुखी हो ही रहा है तो दुख झूठा नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुख का आभास हो रहा हो हमको कि वो तो वास्तव में दुखी है, कि वो दुख झूठा नहीं है, दुख तो सच्चा है, परंतु यह जो उपाय करता है वो उपाय सच्चे नहीं है, वो उपाय झूठे हैं। वो उपाय झूठे कैसे हैं सो कहते हैं। तो ये जो कषाय भावों के उत्पन्न होने पर दुख हो रहा है इनको दूर करने का हम क्या उपाय। देखो यहाँ तक तो पंडित जी ने क्या बताया कि यह जीव इन कषायों के उत्पन्न होने पर कैसे कैसे दुखी होता है। अब पंडित जी बताएंगे आगे कि इन कषायों के होने वाले दुख को दूर करने के लिए यह जीव कैसे कैसे उपाय करता है और वो उपाय झूठे हैं कि नहीं है इसको भी पंडित जी आगे बताएंगे। झूठे हैं तो किस तरह से हैं और यदि ये उपाय झूठे हैं तो सच्चा उपाय क्या है इसको हम कल देखेंगे। अभी यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछना है। जिनवाणी स्तुति करते हैं।
हे जिनवाणी भारती तोए जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढो। बुरी दासां मई जिनवाणी माता की जय। पंच पमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नौका मंत्र का जाप करते हुए कायोत्सव करेंगे।